स्पेशल जुवेनाइल पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की समन्वय मासिक समीक्षा बैठक एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डॉक्टर सुमन शुक्ला, डॉक्टर मुमताज खान, राजेश मणि त्रिपाठी सहित सभी थानों में संयुक्त बाल कल्याण अधिकारी JJP CWC के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में बच्चों के पंजीकृत समस्याओं, यौन शोषण, बाल विवाह, शेल्टर हाउस में रहने वालों की समस्याएं सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया। पिछले बार जो चर्चा हुई थी पर सेलियन के जो शेल्टर हो गए हैं साथ के साथ मृत्यु हो चुकी है और ये घरों के बारे में काफी मृत्यु हुई है। जांच में विलंब ना हो, जांच लापरवाही कारण हुई है या स्वाभाविक मृत्यु है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में आयोजित ओपन हाउस डिस्कशन की संस्तुतियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई स्मरण हेतु अनुपालना चर्चा कब उसके बारे में खासतौर से जहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और कैसे उनको प्रशिक्षित किया जाए, कैसे बाल शोषण वाले मामले जो हैं, लैंगिक अपराध वाले मामले हैं, कैसे इस पर रोकथाम या कमी हम लोग ला सकते हैं। तो जुलाई महीने में काफ़ी कुछ हम लोग विद्यालयों में जा करके बराबरी कार्यक्रम चल भी रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इन सब मामलों का गंभीरता से इन सब घटनाओं को कम करने में। खातून और हस्बैंड का नाम है खान आबिद। पिछले बार थाने मामला कब गया था? कोई एप्लीकेशन है कुछ होंगे तो आप क्या है जब कोई आगे कार्रवाई करेगा? नाम नोट कराइएगा। हाँ, खातून और खान आबिद। सिर्फ दो लाइन मामला ये कि उसके हस्बैंड ने उसको 1,00,000 में विकास गुप्ता के हाथों भेज दिया। वो 2 महीने उसे कैद में रही है। इसमें इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ किसी लोकल थाने में नहीं दी? वहाँ तो नहीं दी है, यहाँ यहाँ पे हर कोई उधर दिया है। सर दिया था कि आपसे एक बार वो मिल लें, वो लोग बहुत परेशान थे तो मैंने आपको बताया भी था कि ये चीज सही है और ये गलत है। बट जहाँ तक मुझे मालूम है कि कानून या कोर्ट जो होती है वो हाई स्कूल की मार्कशीट को ही मानती है, बाकी चीजों को वो नहीं। तो अगर वो पढ़ी लिखी है तो ये देखेंगे, नहीं पढ़ी लिखी है तो शायद अगर पहले से परिवार रजिस्टर में चढ़ा हुआ है तो शायद देख सकते हैं। अगर कोई प्रूफ नहीं है तो उनका शादी उस समय रोकेंगे और उनकी हम एक वेरिफिकेशन के लिए एक मेडिकल जांच होती है कि जांच कर पाएंगे। अगर कोई कंप्लेन करता है तो भी यही प्रक्रिया करता है और कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट हमारे पास भी सूचना आती है। तो जब कोई भी सूचना आती है तो गाँव का होता है तो पूछती कि भी आप शादी में जाओगे और रोकोगे तो वहाँ पे कुछ भी माहौल अच्छा नहीं होता है तो वहीं पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहाँ पे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है जहाँ आप लोग पीछे हट जाते जो भी बाल विवाह होता है उसमें जहाँ ना होता है जैसे गांव वाले तो पता होता है, कोई भी कंप्लेन करते उन्हें पता होता है तो पहले वो थाने को सूचना दे देते हैं। उनको कहीं से, मैं ये आप पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं से ना कहीं उनको ये लगता है कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा मतलब रिक्वेस्ट करके या कैसे भी करके हम करा लेंगे तो वो आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं पे जैसे मालूम हो कि शादी होने वाली है और नाबालिग है तुरंत उनको वहीं पे रोक दीजिए या समझा दीजिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होती। मेन शादी के दिन 2-4 घंटे के पहले अगर मालूम होता है इतना उनका खर्च या खाना या पीना हमें भी बुरा लगता है, लेकिन मजबूरी है या उससे पहले क्योंकि आप लोगों के पास चौकी के हैं या थाने के तो उनको सूचना मिल जाती है और आप लोगों को देखिए घर का जैसे मोटा मोटी आइडिया होता ही है कि क्या है। ये भी प्रयास करना है कि बाल विवाह वाले मामलों में हम लोग बढ़ावा नहीं देना है, अंकुश लगाना है, शासन की अपेक्षा के अंकुश लगाना है, बाल विवाह ना होने दिया जाए। अगर मामला जानकारी में आ गई है तो उसमें जो न्यायिक कार्रवाई करना चाहिए न्यायिक तरीके से कार्रवाई हो जाए, समय से हो जाए और बाल विवाह बिल्कुल ना होने दिया जाए। इंटीग्रेटेड साथी है अधिकार सूचना इंटीग्रेटेड साथी है तो कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे? सूचना आई नहीं थी, सूचना आपकी सबको जानकारी मिल जाती है है। ये प्रत्येक माह के भांति इस बार भी SJPU स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और ASTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से संबंधित मासिक समन्वय गोष्ठी है। हर महीने ये गोष्ठी हम लोग करते हैं और ये पिछली गोष्ठियों के कुछ बातें, कुछ प्रमुख बातें, कुछ जो प्रमुख बिंदु थे उसको हम लोग रिपीट कर रहे हैं। खासतौर से बाल विवाह
के मामले में जो शासन की मंशा है कि बाल विवाह को रोका जाए, बाल विवाह को प्रोत्साहन ना मिले, अंकुश लगे, जो बच्चों के साथ यौन घटनाएं हो रही हैं उस पर अंकुश लगाया जाए। अभी जो बच्चे शेल्टर होम्स में रहते हैं उनके साथ उनको स्किल डेवलपमेंट का ये प्रशिक्षण दिया जाए उसके बारे में, और ये जे एक्ट पॉक्सो एक्ट प्रभावी तरीके से लागू करने के संबंध में, और ये मानवाधिकार बच्चों से संबंधित जो बच्चों के प्रति जो हिंसाएं हो रही हैं उसके संबंध में जो मानवाधिकार का ये उनके डायरेक्शन आए थे उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। और बाकी एक समन्वय बैठक है जहां ये विभिन्न विभाग के लोग यहां बैठे हुए हैं, आपसी तालमेल हम लोग अपने यहाँ सुदृढ़ कर रहे हैं, जो अभी पिछले माह में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं या महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ काम हुए हैं उसके बारे में चर्चा हुई, तो समन्वय के उद्देश्य से बैठक बुलाई गई है।